आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत सारी आपके क्वेश्चंस होते रहते हैं, जिसमें से मुख्य क्वेश्चन ये है कि कई गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल द्वारा ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट कर दिया जाता है। या आप ये भी जानते होंगे, कई वीडियो में भी हम बात किए हैं कि कई गूगल गाइड्स द्वारा भी क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन जो गूगल के द्वारा ऑटोमेटिक गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है वो कैसे क्रिएट हो जाता है, उसका प्रैक्टिकल हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। क्योंकि हमने एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो नहीं बनाए, लेकिन उस बिजनेस का वेबसाइट बनाए, उसका पेज यूट्यूब चैनल था। और आपको मेनली मैं बता दूं कि वेबसाइट के बनने के आधार पे गूगल द्वारा ऑटोमेटिक उसकी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर दी गई, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। दूसरी बात, यदि आपकी बिजनेस का भी ऑटोमेटिक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है, ऑटोमेटिक बोलने का मतलब आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाया है, आपके किसी गूगल गाइड्स ने बना दिया या गूगल द्वारा ऑटोमेटिक बना दिया गया, वो आपके वेबसाइट के आधार पे हो सकता है या आप कोई भी आपकी डिजिटल प्रेजेंस जो भी अथॉरिटी है उसके आधार पे। मैं कई वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि आपकी एक गूगल के अलावे भी एक अपनी प्राइवेट अथॉरिटी होनी चाहिए, जो ये गूगल को बताए कि हमारा ये बिजनेस है, इसकी ये नाम है, इसका ये एड्रेस है और इसकी फोन नंबर ये है। यानी कि आप गूगल के अलावे एक अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं तो गूगल को हेल्प होता है आपके बिजनेस को वेरीफाई करने में और उसको शीघ्र ही आपका गूगल पे लाने में, यानी उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने में। तो इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये प्रैक्टिकल किया और इस चीज को एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिकल इस चीज को करके भी दिखाएंगे, यानी कि दोनों चीज पर बात करेंगे। पहले मैंने ये बात दिखाएंगे कि कैसे गूगल द्वारा देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया गया है, फिर उसे कैसे हम क्लेम करेंगे, यानी कि वो जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना उसका ऑथोरिटी मेरे पास नहीं है, हम ना उसका ऑनरशिप है, ना ऑनरशिप मेरे पास है, नहीं हम एडमिन है, तो अब कैसे उसकी हम ऑनरशिप लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। यानी कि आप यदि बिजनेस ओनर हो या डिजिटल मार्केटर, आपकी वेबसाइट हो या ना हो, लेकिन आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन चुकी है बट आपके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है, तो कैसे क्लेम करेंगे ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी के लिए आप जरूर अंत तक देखेंगे और उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे, अगेन हम उस कमेंट सेक्शन के आधार पे आपको वीडियो के रूप में वीडियो की सहायता से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं, मैं हूं गुड्डू कुमार और आज की इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे ऑटोमेटिक जो है गूगल द्वारा आपके जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो क्रिएट किया गया और कैसे क्लेम करें। में इसके लिए चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, तो उस प्रोफाइल की प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ गूगल में सर्च करते हैं उस प्रोफाइल का जिसका नाम है गुडसॉफ्ट एकेडमी। तो मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को टाइप किया और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रोफाइल है ऑटोमेटिक बना है, ये हमारा जो वेबसाइट है उसके आधार पर उसका जो नाम है, एड्रेस है और इवन की फोन नंबर भी ये यहाँ पे ले लिया है। अब मैं आपको बता दूँ, यही वेबसाइट है जो कि हमने क्रिएट किया था और इस वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए हम कुछ नहीं किए, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक फ़ोन नंबर दे दिया और उसका ईमेल आईडी के अलावे हमने यहाँ पे देखिए एड्रेस दिए हुए हैं और इसी एड्रेस के आधार पे इस एड्रेस पर ऑटोमेटिक गूगल द्वारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। हमने कोई जीमेल आईडी से इसको बनाने का प्रयास नहीं किया है। अब चूंकि ये मेरे कह सकते हैं ऑथोरिटिव नहीं है, चेक करने के लिए मैं उसी जीमेल जो कि गुडसॉफ्ट एकेडमी का है, यदि वहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे कि साइन इन भी करेंगे तो यहाँ पे कोई हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, बल्कि यहाँ पे बिजनेस का नाम डालने के लिए आ रहा है, बिजनेस कैटेगरी डालने के लिए आ रहा है, यानी कि उस आईडी से हमें नया बनाने की आवश्यकता है, वहाँ से कोई बना हुआ कोई भी बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। तो मेरे के कहने का मतलब है कि ये जो आप देख पा रहे हैं इस प्रोफाइल का कोई भी ऑथराइज पर्सन जो उसका ओनर नहीं है,
ये गूगल द्वारा ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, हमने इस वेबसाइट उसका यानी गुड्स ऑफ अकाडमी का ऑलरेडी वेबसाइट है, उसकी यूट्यूब चैनल भी है, उसकी फेसबुक पेज भी है, बट गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं था। बट जैसे ही हमने वेबसाइट बनाया उसके कुछ ही दिन बाद ये उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया गया गूगल के द्वारा। इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैं आपको बताने के लिए इस चीज़ को एक तरह से टेस्ट मैंने किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम क्लेम करेंगे। तो सिंपल ओन दिस बिजनेस पर हमने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसको मैनेज के लिए मैनेज दिस बिजनेस टू रिप्लाई टू रिव्यू अपडेट इन्फो एंड मोर, यानी कि इसको हमें यदि मैनेज करना है, इसमें पोस्ट डालना, रिव्यू करना, तो हमें करना होगा इस पर क्लेम। तो अब मैनेज नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन जो ईमेल होता है वो चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यस कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक किए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सीधे आपको लेकर चला आया फ़ोन नंबर, चूँकि मेरा फ़ोन नंबर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, क्या जैसे मोबाइल नंबर था तो वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज लेते थे, बट यहाँ पे फ़ोन नंबर तो वहीं रखेगा, गेट भैया टेक्स्ट और वॉइस कॉल, लेकिन नेक्स्ट करने के बाद हम लोग कॉल, हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट भी देख सकते हैं यहाँ सेलेक्टेड है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। हमने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया और यहाँ जो फ़ोन नंबर है ये बेसिक फ़ोन है, तो टेक्स्ट मैसेज वहाँ हमें विजिबल नहीं हो पाएगा, तो कॉल को हमने सेलेक्ट किया। और कॉल को सेलेक्ट करने के बाद ये चीज़ ध्यान रखना है, चूँकि बेसिक फ़ोन है तो कॉल को ही आप सेलेक्ट करेंगे, और अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब आप सिंपल नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब ये जो गूगल द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, यानी आपके बेसिक फ़ोन पे कॉल आएगा, और उस पे कॉल आने के बाद आपको मिलेगा 6 डिजिट का कोड, यानी कि जैसे ही फ़ोन आता है तो वो बताता है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, तो जस्ट हम उसका वेट कर लेते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं जब उसका कॉल आता है। तो जस्ट हम लोग वेट करके और यहाँ पे फ़ोन उठाने के बाद अब आ चुका, तो उसको टाइप कर लेते हैं, जो जो आपको कोड बताया जाएगा वो 6 डिजिट का कोड आप इंटर करके, और सिंपल आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना होगा। आपको मैं बता दूँ कि ये वेरीफाई करने का फास्ट तरीका हो गया एक तरह से, और उनके लिए विशेष तौर पर जिनकी प्रोफाइल बोलते नहीं बन पाता, देखिए यू आर नाउ वेरीफाइड, क्योंकि नंबर सेम है जो मेरा पहले वेबसाइट से उठाया था, तो किसी तरह की इसमें झोल आप नहीं कर सकते हैं, तो गलत हम नहीं कर रहे हैं। अब सिंपल हमको ये ऑप्शन आ गया कि भाई ये जो आपका क्लोजिंग और ओपनिंग का आवर्स होता है, ओबियसली आप इसे अपने हिसाब से सेट कर लें, क्योंकि ये सेटिंग बाय आप देखोगे कि कुछ था नहीं, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं जिस हिसाब से गुड्स ऑफ अकाडमी को ओपन करना है, यानी कि जो उसकी ओपन और क्लोजिंग का टाइम रहेगा, डे रहेगा, उस हिसाब से आपको चूज कर लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ध्यान देने जो बात यह है कि ये भी आप प्रैक्टिकली रखें, यानी कि जब आपकी प्रोफाइल सॉरी बिजनेस खुल रहा है और जब बंद हो रहा है उसी के टाइम लाइन में आप रखें, क्योंकि गूगल अक्सर ये चीज़ जज करते रहता है, ये इवन कि आपके द्वारा आपके गूगल बिजनेस के जो गूगल गाइड्स होते हैं उनके द्वारा। तो आप यदि रियल टाइमिंग रखेंगे, डे रखेंगे, ताकि कोई विजिट करे तो उसको भी ट्रैक करता है, तो उस स्थिति में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी आप इस तरह का करें, यानी कि क्लोजिंग और स्टार्ट दोनों स्टार्ट या क्लोजिंग आवर सेट करें, डे सेट करें, तो उसको आप प्राथमिकता में रखें। तो यहाँ पर हम एक एक करके अपना सेट कर लेते हैं, तो 8 बज करके 7 बजे तक, यानी 8 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक हम टाइम रख लेते हैं। और यहाँ पे 8, अब ये हो गया हमारा सैटरडे का 8 AM to 19 मतलब 7 PM, और सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर वही देता है कि मैसेज एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो ये ऑन ही हम रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो चलिए हम यहाँ पे नोटपैड में एक डिस्क्रिप्शन लिखे ऑलरेडी गुड्स ऑफ अकेडमी में, जस्ट कॉपी किए और यहाँ आकर के हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा कर्सर को एडजस्ट कर लेते हैं, और ये हमने 750 कैरेक्टर तो नहीं है, बट
सफिशियंट है, आप जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम भी यूज कर सकते हैं 750 कैरेक्टर तक। तो आप एक डिस्क्रिप्शन लिख ले अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही और उसको अपलोड करने के बाद आगे बढ़े। यहाँ फ़ोटो ऐड करना है लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अभी फ़ोटो तो है नहीं, तो इसको फ़िलहाल एक स्किप कर देते हैं, यानी कि बाद में हम इसको ऐड कर देंगे। तो इसको चलिए स्किप बटन पर क्लिक करते हैं, और हमको 20,000 का एडवर्टाइजमेंट का अभी क्लेम नहीं करना है, इसको भी स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे कस्टमाइज प्रोफाइल जो उसकी पूरी है प्रचार अपना देता है, इसको भी स्किप कर दे। अब योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लेकर चलाएगा आपके डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी हमारा प्रोफाइल दिख रहा है, इधर आप ब्लू कलर में ये वेरीफाइड भी है बिजनेस। तो ये हालांकि जो भी हम चेंज किए हैं वो जो मेरा सक्सेसफुली जो एडिट है ये भी दिखा रहा है, लाइव हो चुका है, देखिए आप यहाँ पे। अब कुछ कुछ जो चेंजेज है उसको लेकर के, ये जैसे हॉलीडे है, ये सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि स्टंट वेरीफाई हो जाता है। आप ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, अब यहाँ एक चीज़ हमको चेंज करना होगा, इसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट आ रहा है, यानी कि जो कैटेगरी है मेन कैटेगरी, इसको हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि जो एजुकेशन है कंप्यूटर ट्रेनिंग है, तो वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड तो नहीं आ रहा है, तो हम लोग लेते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि यहाँ पे हम लोग को लेना चाहिए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ चुका है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के अलावे और कुछ नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग सिंपल मेरे पास विकल्प यही है। हालांकि देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग से कोई करके कोई ऑप्शन नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या ऐसा तो है नहीं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ ही जाएंगे। तो यार सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ले लिए। इसके अलावे आपको हम बार बार बोलते हैं कि एडिशनल कैटेगरी जरूर ऐड कीजिए, यानी कि जो प्राइमरी कैटेगरी के बाद एडिशनल कैटेगरी जो आता है उसको आप ज़रूर उपयोग कीजिए। तो यहाँ पे ये कोई सर्विस नहीं है, ये तो एजुकेशन है, फिर भी देख लेते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एजुकेशन तो शो नहीं कर रहा है, तो चलिए इसको भी हटाते हैं। अब वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर ये सब कुछ तो आ नहीं पा रहा है, तो हम लोग इसमें से चुनाव यहाँ भी नहीं कर पाते हैं। तो अब चलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनर रिसर्च इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ इसको रख लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी पढ़ाने के लिए ही है। तो हालांकि इसको हम प्राइमरी भी रख सकते थे, बट हमने प्राइमरी में रख लिया सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे आते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, तो सब सॉफ्टवेयर ही है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। अब इसके अलावा देखते हैं और इंस्टीट्यूट का कुछ ऑप्शंस मिल रहा है तो ज़रूर आप सेट कर दें, अदरवाइज आपको छोड़ना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही है, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जितनी मैक्सिमम हो सकता है 9 कैटेगरी तक आप जो सब कैटेगरी जो होते हैं उसको, यानी कि एडिशनल कैटेगरी को ऐड कर लें, क्योंकि जब भी कोई सर्च करता है तो शुरू तो होता है गूगल सर्च करना, आपको ढूंढना प्राइमरी से, बट वो सेकेंडरी कैटेगरी को भी देखता है। तो चलिए हमने यहाँ पे डिजाइन इंस्टीट्यूट भी ले लिया और इसके बाद इसको सेव करते हैं, यानी कि हमने कुल मिला करके 4 जो है यहाँ पे हमने कैटेगरी ले लिया, और ये हमारा देख पा रहे होंगे कि पेंडिंग में है। प्राइमरी हमने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बनाया है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजाइन इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमने रखा है एज ए सेकेंडरी कैटेगरी में। तो इस प्रकार से ये भी हमने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ एडिट करने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि जो लोकेशन है वो सही है। अब यदि कुछ भी आपको गड़बड़ लगे तो उसको आप सिंपल एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है प्रोफाइल जो कि ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है, और यहाँ देख लीजिए 2 कस्टमर जो दिखा रहा है इंगेजमेंट, जो ये पहले से ही है, यानी कि हमारा अकाउंट बनाने से पहले से ही है। तो इस प्रकार से मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपको बताने का प्रयास किया। आज की इस वीडियो में हम लोग इन तमाम चीजों को समझे और प्रैक्टिकली देखे कि किस तरह से गूगल ने हमारे गुड्स ऑफ अकेडमी के लिए बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, और उसको हमने कैसे आसानी से अपना वेरीफाई भी करा लिया
और हालांकि वो ऑलरेडी पहले से ही लाइव था, आप देख रहे थे कि उस पर इंगेजमेंट पहले से ही आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको काम की लगी होगी, तो जरूर इसे आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें गूगल बिजनेस प्रोफाइल से लेकर के कोई कन्फ्यूजन न रहे। और आपके पास किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट या सजेशन हो मेरे लिए, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए